हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कुंडली जो मेरे पास आई थी कुछ दिनों पहले। इनका क्वेश्चन था इनके कैरियर से रिलेटेड। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनके कैरियर में आ रही थी, ये जानना चाहते हैं कि कब इनका कैरियर सेटल होगा और ये आगे की मैरिड लाइफ के बारे में इनका क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो आप astrosolution49@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। ये एड्रेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आगे चलेंगे, पहले डिस्कस करेंगे इनके कैरियर के लिए। कैरियर हम डिस्कस करेंगे दो तरीके से। पहला तरीका होगा हमारा चार्ट का, दूसरा तरीका होगा न्यूमरोलॉजी का। और हम इन दोनों को मिक्स करके प्रडिक्शन करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट अगर जो आपका बन रहा है ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और आपकी जो न्यूमरोलॉजी होती है ये आपको बता देती है। जैसे आप देखेंगे कल भी जब हमने लाइव सेशन किया था तो एक चार्ट आया था जिसमें उनके पास जॉब नहीं थी, उनका चार्ट वाइज तो बहुत नेगेटिव था, बट न्यूमरोलॉजी में वेरिएशन आ गया और न्यूमरोलॉजी में अच्छे नंबर्स आ गए जिसकी वजह से उनको जॉब मिल गई, जो कि टेम्पररी थी, क्योंकि ये होना ही था। वो मैंने प्रिडिक्शन आपको कल करके दिखाई थी। तो आज हम इस प्रिडिक्शन में आगे बढ़ेंगे, इनके कैरियर को डिस्कस करेंगे कि इनका कैरियर कैसा रहने वाला है। तो इनका यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। तो इनके जो लग्नेश बने वो बने देवगुरु बृहस्पति, जाके बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल का होता है, मेंटल टेंशन का होता है, ऑकल्ट का होता है। उसके बाद बात करेंगे 10th हाउस के लॉर्ड की। 10th हाउस के लॉर्ड है मरकरी, जाके बैठे हैं भाग्य स्थान पे। ऑल दो कहने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन वेरीफाई करेंगे हम इनको इनके नक्षत्र और सब लॉर्ड देखने के बाद ही। अगर कैरियर वाइज बात करें तो स्टार्ट करते हैं वीनस। वीनस की महादशा इनको चल रही है। तो वीनस की महादशा जो इनको चल रही है, वीनस इनके कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में वीनस बैठने का, और इसकी 11वें भाव के स्वामी भी वीनस है। 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का, 6ठा होता है हमारी जॉब का। तो अगर आप इस कुंडली में देखें, वीनस ऑल दो नवम भाव में बैठे हैं, सूर्य के घर में बैठे हैं, लेकिन अगर आप इनके नक्षत्रों को देखें, अगर आप इनके प्लैनेट्स को देखें तो प्लैनेट में 5, 8, 10 है। मतलब पंचम भाव, दसम भाव बीच में आ रहा है, अष्टम भाव भी ऑल्दो बीच में आ रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अकेला आठ कुछ करता नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनके नक्षत्र देखेंगे, क्लैरिटी यहाँ से मिलेगी। नक्षत्र हमने इनके देखा तो नक्षत्र में 6 और 8 दोनों है, कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है 10 या 11 जो कि जॉब के लिए पॉजिटिव होते हैं। मरकरी 6 और 8, तो अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन देखें 6, 6, 8, 8, 6, पूरे इनके जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं जॉब के लिए वो इनके कंप्लीट बन रहे हैं। तो ये जो वीनस की महादशा है ओवरऑल इनको ग्रो नहीं करने देगी, ऐसा हमारे चार्ट के थ्रू प्रेडिक्शन आता है। अब इसमें सूर्य की दशा आई, इसके सूर्य अगर हम कहें इन कंपैरिजन टू वीनस पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 6, 8 है, 8 ऑल्दो नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, शुक्र में कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आ गया 11, जो कि ऑल्दो 6, 8 से लड़ने के काबिल तो नहीं है, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है पोटेंसी को थोड़ा कम कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा इनका बिल्कुल नेगेटिव, क्योंकि कोई भी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई भी जॉब का पॉजिटिव हाउस है ही नहीं। 10, 11 जॉब के लिए पॉजिटिव होते हैं तो वो इनके उसमें है नहीं। 7 और 2 भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो 6 और 8 के आगे कहीं टिकते नहीं है। उसके बाद आता है इनका मंगल। मंगल इनका पॉजिटिव है। मंगल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि 8, 8 और नीचे कुछ भी नहीं है। 8 यहाँ पे सिंगल एड जब भी आपके पूरे आएगा, क्योंकि 2 के कॉम्बिनेशन ही इफेक्ट नेगेटिव देगा। 1 का कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल जरूर क्रिएट कर देगा, बट ऑल दो पॉजिटिव होगा। अब अगर आप इस कुंडली में देखें तो मंगल पंचम भाव के मालिक हैं। इसके बाद और 12वें भाव के मालिक हैं। तो फिर भी देखिए इतने और बैठे कहाँ हैं, अगर आप देखें मंगल देवता इनकी कुंडली नवम भाव में बैठे हैं, ठीक है।
अब अगर 12वें घर के स्वामी हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तो इनका रिजल्ट तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत पॉजिटिव है इनके प्लेनेट में। अगर इनका ये मार्स की महादशा आई तो ये काफी पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे राहु। राहु में 6-8 आ रहा है सब लॉर्ड में, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और ऊपर से इसको सपोर्ट मिल रहा है इस 8 का, इस 6-8 को, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। राहु इनकी कुंडली में जो बैठा है वो बैठा है, अगर आप देखें तो पहले घर में, तो ये इसके लिए आगे, क्योंकि पहले घर में बैठा है तो इनका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्कर शेड में बनाएगा, ऑल्दो अट्रैक्टिव बनाएगा, लेकिन ये डीले का कारक होता है, हर चीजों में डीले करेगा, मेंटल पीस को हमेशा डिस्टर्ब रखेगा, तो ये इनके साथ रहेगा। लेकिन कैरियर वाइज आप कहें तो राहु इनको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। जुपिटर की बात करें, अब जुपिटर इनके लग्नेश होने के बावजूद भी इनको रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे, क्योंकि छठा और आठवां घर इनके बीच में आ रहा है, जिस भी जहां पे भी छठा आठवां 12वां घर आ गया, क्योंकि 6 8 12 तीनों आ रहे हैं, तो ये बहुत नेगेटिव है। अब बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न 8 8 दिखा रहा है, क्योंकि 10 भी बीच में है, 8 8 अकेला कुछ नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो सैटर्न इनके लिए ओके है मैरिज के लिए। सेम मरकरी इनका नेगेटिव है मैरिज के लिए, क्योंकि 6 8 6 8 दिखाता है। उसके बाद केतु की बात करें तो केतु भी इनका नेगेटिव है, वीनस भी इनका ऑलरेडी नेगेटिव है, जैसा मैं बता चुका हूँ। तो क्या इनकी जॉब नहीं लगेगी? इनकी जॉब बिल्कुल लगेगी, और ये अभी अच्छी जॉब कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। हमने इनकी न्यूमरोलॉजी रीडिंग करी, न्यूमरोलॉजी रीडिंग के न्यूमरोलॉजी जब हमने इनकी पढ़ी, न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखें 2012 में इनका नंबर 7 की दशा इनको शुरू हो जाती है, 7वां नंबर 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 ऑफ लक होता है, जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में ही बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं उनको। 7 नंबर मीन्स नंबर ऑफ लक, नंबर ऑफ ट्रेवल, और इनके काम इन कंपेरिजन टू अदर्स थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, बट नंबर 7 आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता, नंबर 7 लक देता है बट पैसा नहीं देता, ठीक है। अब बात करेंगे 2013 की, यहाँ से 2013 की बात करेंगे। 2013 में भी इनको जो चल रही है दशा, वो दशा चल रही है 2013 में भी 7 नंबर की, और अगर आप अंतर दशा देखें तो इनको 3 नंबर, 3 नंबर होता है नंबर ऑफ विजडम, नंबर ऑफ नॉलेज, नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो ये काफी पॉजिटिव आ गया, लेकिन नंबर 3 जॉब दिलाने में इनकी हेल्प नहीं कर सकता। अब हम कहेंगे 2014 में नंबर 6 आया है, नंबर 6 और 7, 6 और 7 इंसान के जनरली अफेयर्स क्रिएट कर देता है, नंबर 6 और 7 जब साथ आएंगे तो अफेयर्स क्रिएट कर देगा, ब्रांड्स की तरफ शौक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये सब चीजें लाइफ में होने लगेंगी, लेकिन जॉब प्रॉस्पेक्ट में ये आपको कोई भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला। अब आता है 2015, 2015 में जैसे ही 2015 आएगा, ये 8 8 8 हो जा रहा है, और 8 8 होता है नंबर ऑफ वेल्थ, ये बहुत पैसा दे देता है इंसान को। अब यहाँ की बात करें तो जब मैंने इनसे बोला कि क्या आपकी 2015 में जॉब लगी थी, तो इन्होंने बोला हाँ। अब वो कैसे लगी थी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनकी एस्ट्रोलॉजिकली तो काफी वीक है। एस्ट्रोलॉजिकली आप देखिए 2015 में उनको चल रहा है सैटर्न, जो कि बहुत ओके है, जॉब दिलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि महादशा नेगेटिव है और अंतरदशा उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखें तो 8 8 आ रहा है, 8 8 का सीधा सा मतलब होता है नंबर ऑफ वेल्थ, ये आपको अगर जो भी प्रोफेशनली बहुत ज्यादा राइज दे देगा सडनली। अब आप मान दे, अब यहाँ पे चीज समझने वाली बात है, एस्ट्रोलॉजिकली वीक है, न्यूमरोलॉजिकली अच्छा है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ वेल्थ 8 8 5 1, ये होते हैं नंबर ऑफ वेल्थ, ये आपको बहुत पैसा देने वाला है, और एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक हो रहा है, तो ये क्या करेगा, आपको नॉर्मल सी जॉब दे देगा, ये आपको बहुत हाई प्रोफाइल जॉब नहीं देगा, ये आपको नॉर्मल जॉब देगा। क्यों? इसकी पोटेंसी जो पॉजिटिविटी है रिड्यूस हो रही है आपके चार्ट के कारण, जो कि आपका चार्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसने यहाँ पे आके संभाल लिया। अब हम बात करेंगे 2016 की। 2016 में फिर से नंबर 3 आ रहा है, क्योंकि जॉब तो है, जॉब तो है, और नंबर 2016 में नंबर 3 आ रहा है, तो इस ड्यूरेशन में ये बहुत ज्यादा गेन करेंगे नॉलेज, और नंबर ऑफ लक ऑफ नंबर ऑफ 7 7 नंबर साथ में है, तो ये जॉब एटलीस्ट छूटेगी नहीं, बट ट्रबल्स जॉब में आती रहेंगी इनकी कुंडली के कारण। 2017 की बात करें, 2017 में ये बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगी, सॉरी, क्योंकि मरकरी की महादशा चल, मरकरी की अंतरदशा चल रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, इवन आप मान के चलिए नेगेटिव ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि जॉब है और लक है साथ,
तो ये जॉब एटलीस्ट छूटने नहीं देगा। जॉब छूटने का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 5-8-12 होता है, 6-8 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, मेंटल टेंशन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये आपकी जॉब छुड़वाता नहीं है। अगर मतलब कभी कभी अगर 12 आ गया साथ में तो फिर आपकी जॉब भी छुड़वा देंगे, लेकिन जो मेन कॉम्बिनेशन फॉर मतलब ये, लेकिन आपको राइज भी नहीं करने देंगे, मेन कॉम्बिनेशन जो उसका है वो है 5-8-12। अब अगर आप इसको देखें 2018 में, इस ईयर को अगर आप देखें, इस ईयर को अगर आप देखें 2018 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, लाइफ कंफर्टेबल बन जाएगी, मैरिज के चांसेस बनते हैं, और 2018-19 में तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि हाँ इस ड्यूरेशन में इनकी मैरिज हुई है, तो हमने यहाँ से प्रिडिक्ट किया। तो देखिए ये है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को जब हम मिक्स करते हैं तो कैरियर प्रिडिक्शन कितनी आसान हो जाती है, क्योंकि चार्ट में ये सब नहीं दिखा रहा है। चार्ट में अगर आप देखें तो वीनस की महादशा इनको चल रही है, वीनस इस कुंडली में नेगेटिव है, तो ऑल दो नेगेटिव ही रिजल्ट देना चाहिए जो कि यहाँ से भी प्रूव हो रहा है, लेकिन इनकी जॉब नहीं लगनी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप चार्ट देखें, बट इनकी जॉब लगी हुई है, शी इज वर्किंग, और काफी ठीक इनकी इनकम है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी, इनकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती थी लेकिन चार्ट खराब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा राइज नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स ये था कैरियर प्रिडिक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लाइव शोज करते हैं, लाइव शो में आप आ सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप astrosolution49@gmail.com में मेल कर सकते हैं, वहाँ से हम बात करेंगे कि आपको आपकी जो भी टाइमिंग होगी वो हम फिक्स कर लेंगे और हम वहाँ से बात करेंगे। अगर आपका एक या दो क्वेश्चन है, डिटेल एनालिसिस नहीं चाहते, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर लीजिए, अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता तो आप लाइव सेशन में आ जाइए, वहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।